हाय गाइस, वेलकम बैक टू टेस्ट क्वेस्ट रेसिपीज। तो आज हम बनाएंगे मैनचाओ सूप। अ वेरी सिंपल येट टेस्टी विंटर स्पेशल मैनचाओ सूप। हाँ, बट उससे पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, दैट इज टेस्ट क्वेस्ट रेसिपीज। सबसे पहले हम एक वेजिटेबल स्टॉक तैयार करेंगे। फॉर दैट वील टेक 1 लीटर ऑफ वाटर इन अ सॉस पॉट। एड ऑल द वेजिटेबल्स, पील्स, स्किन्स, सारे डंठल जो भी हम सूप के लिए इस्तेमाल करेंगे, सब्जी है उसके सारे छिलके, उसके डंठल, धनिए के डंठल सब डाल के उसको उबालेंगे। और कब तक उबालेंगे? जब तक पानी आधा नहीं हो जाता और हल्का सा पीला रंग का नहीं हो जाता। यहाँ देखिए, हमारा पानी बिल्कुल आधा और हल्का पीला हो गया है। तो ये हमारा वेजिटेबल स्टॉक तैयार है। उसको क्या करेंगे, हम छान लेंगे। अभी इस वेजिटेबल स्टॉक को विल कीप असाइड। अभी यहाँ पे मैंने लिए हैं नूडल्स, जो बाजार में मिलते हैं नूडल्स, उसको मैंने उबाल लिए हैं और ये करीबन 100-150 ग्राम होंगे। उसको हम विल कोटेड विथ कॉर्नफ्लोर। उसको अच्छे से एकदम कॉर्नफ्लोर से कोट करेंगे ताकि तलने में वो एकदम क्रिस्पी और कुरकुरे हो जाए। अभी नूडल्स अच्छे से कॉर्नफ्लोर से कोट हो गए, तो विल टेक अ हैंडफुल ऑफ नूडल्स। और उसको एकदम मीडियम हॉट ऑयल रखा है मैंने यहाँ पे, मीडियम हॉट ऑयल में उसको हम तलेंगे। एक तरफ से हो जाने पर हम साइड पलटेंगे और दोनों तरफ से जब क्रिस्पी और कुरकुरे हो जाए तो उसको निकालेंगे। तो मैनचाओ सूप के लिए हमारे नूडल्स तैयार है। अभी हम सूप बनाते हैं। तो सूप के लिए हम क्वोक में 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल को एकदम गरम होने देंगे। उसके बाद हम 2 से 3 छोटे चम्मच लहसुन और 2 से 3 छोटे चम्मच अदरक बारीक कटा हुआ डालेंगे। और इस सबको हमें एकदम तेज़ आंच पे ही भुनना है ताकि एकदम स्मोकी फ्लेवर हमारे सूप में आ जाए। और वो थोड़ा पतला होता है उसका तला, तो एकदम अच्छा स्मोकी फ्लेवर आएगा। तो उसको तेज आंच पर भुने। अब इसमें हम सारी बारीक कटी सब्जियां डालेंगे, गाजर, गोभी, फुंसी, कैप्सिकम। दो सारी सब्जियां मैंने 2-2 चम्मच डाली है। और ये डाला प्याज। सबको हम तेज आंच पे ही भूनेंगे। वी वॉन्ट टू कीप आर वेजिटेबल्स क्रंची, सो वी डोंट वॉन्ट टू कुक इट टू मच। थोड़ा सा हल्का उसका एकदम ट्रांसलूसेंट कलर आ जाए तब हम इसमें बाकी मसाले करेंगे। तो स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, काली मिरी का पाउडर डालेंगे और एक हरी मिर्च, यहाँ तीखी वाली हरी मिर्च मैंने बारीक काट कर डाली है। सबको फिर से मिक्स करके भूनेंगे। हमारी सब्जियां अच्छे से एकदम क्रंची और अच्छे से पक भी गई है। और अब मैं डालूंगी हरा प्याज बारीक कटा हुआ 2 छोटे चम्मच। ये मैंने लास्ट में इसीलिए डाला है ताकि उसका ग्रीन कलर ऐसे बना रहे, टू रिटेन इट्स कलर वी एडिट एट द लास्ट। और उसमें उसको पकने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। अभी मैंने इसमें डाला 1 छोटी चम्मच सोया सॉस, 2 छोटी चम्मच रेड चिली सॉस जो बाज़ार में मिलता है, और 2 छोटी चम्मच टमेटो केचप। सबको अच्छे से मिला लेंगे। और टमेटो सॉस से एकदम थोड़ा खट्टा मीठा टेस्ट आएगा। इफ़ यू डोंट हैव टमेटो केचप देन एड अ लिटिल बिट ऑफ विनेगर। सो विल सॉटे ऑन हाई हीट, मेक श्योर द हीट इज़ ऑलवेज हाई। और पर हमें जलाना भी नहीं है, तो उसको लगातार चलाते रहिए। और फिर उसमें मैंने डाल दिया वेजिटेबल स्टॉक जो हमने
बनाया पहले वेजिटेबल स्टॉक, वही डाल देंगे, थोड़ा बचा के रखेंगे ताकि अगर हमारा सूप गाढ़ा हो जाए तो वी कैन ऐड इट लेटर। और उसको अच्छे से एक उबाल लाएंगे। अभी हम बनाएंगे कॉर्नफ्लोर स्लरी। उसके लिए मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है और उसमें 2-3 चम्मच पानी डाल के उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी ये जो स्लरी तैयार हुई है कॉर्नफ्लोर की, उसके 2-3 चम्मच हम सूप में डालेंगे। स्लरी डालते ही हमारा सूप गाढ़ा होने लगेगा, तो उसको स्लरी डाल के फिर हिलाएंगे। वी डोंट वॉन्ट टू मेक आवर सूप टू थिक। अगर आपको ज़्यादा गाढ़ा पसंद है तो आप और थोड़ी स्लरी डालें। तो मैंने यहाँ पे इतना ही गाढ़ा किया है, थोड़ा हल्का पतला रखा है, क्योंकि फिर इसमें नूडल्स डालेंगे तो गाढ़ा हो ही जाता है। तो स्लरी डालने के बाद हम 5-7 मिनट तक ही उबालेंगे हमारे सूप को। ऑलमोस्ट हमारा सूप अब बन के तैयार है। स्लरी डाल के थोड़े 3-4-5 मिनट ही उबालेंगे और फिर उसको गरम गरम सर्व करेंगे। तो ये देखिए हमारा मैंचाओ सूप एकदम तैयार है। आपको जितना गाढ़ा पसंद है आप रख सकते हैं। फिर ये ठंडा होगा तो और भी थोड़ा थिक होगा, तो उस हिसाब से ही आप कॉर्नफ्लोर स्लरी डालना। तो ये देखिए एकदम सिंपल ये टेस्टी हमारा मैंचाओ सूप सर्व करने के लिए तैयार है। तो हम इसको सर्व करेंगे। डू ट्राई टू मेक दिस रेसिपी एट होम एंड राइट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। अभी हम इसमें डाल देंगे हमने जो नूडल्स फ्राई किए हैं। एकदम क्रिस्पी और क्रंची नूडल्स बन के तैयार हुए हैं। गार्निश विद सम स्प्रिंग अनियंस। हॉट एंड स्पाइसी मैंचाओ सूप इज रेडी। आई होप यू गाइज लाइक माई टूडेज रेसिपी। इफ यू डू प्लीज डोंट फर्गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब and also comment down below. Thanks for watching.